हेलो बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 14 दैट इज द स्टोरी ऑफ वो जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहले वेनुस फैमिली और रानीस की जो फैमिली थी उसके बारे में डिफरेंसेस पढ़े थे, उससे रिलेटेड उसके बाद क्वेश्चन आंसर से कुछ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है वेयर डज व्हाट वी ईट कम फ्रॉम, कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो कहाँ से आती हैं। द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स आर गिवन बिलो, ने नीचे कुछ फूड आइटम्स दी गई हैं। एड सम मोर टू लिस्ट, कि आपने कुछ और ऐड करनी है इस लिस्ट में। ड्रॉ अ ग्रीन सर्कल अराउंड दोज आइटम दैट वी गेट फ्रॉम अ प्लांट्स, तो जैसे कि फूड आइटम जो हम खाते हैं या तो वो हमें प्लांट से मिलती हैं या तो वो हमें एनिमल्स से मिलती हैं। तो जो भी चीज़ें नीचे दी गई हैं उसमें जैसे जो प्लांट्स वाली हैं चीज़ें जो हमें प्लांट से मिलती हैं उस पर आपने ग्रीन सर्कल करना है, और जो हमें एनिमल से मिलती हैं उस पर आपने रेड सर्कल जो है वो लगाना है। जैसे हम हनी की बात करें तो हनी हमें मिलता है किससे, हनी बी से, तो हनी बी एनिमल से, तो इस पर मैंने रेड सर्कल लगाया है, ठीक है। उसके बाद कॉर्न है, ठीक है, तो वो कॉर्न प्लांट से मिलता है। स्पिनच है, पता है आप लोगों को, सब्जी है, तो वो हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से। एग है, एग हमें मिलता है एनिमल से, तो इस पे रेड है। टोमेटो है प्लांट, टर्मरिक, टर्मरिक प्लांट से मिलती है। मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, तो उस पे रेड है। पोटैटो पे ग्रीन है क्योंकि ये प्लांट से है। उसके बाद मीट एनिमल, ऑनियन प्लांट, फिश फिश एनिमल, लेमन प्लांट, अजवाइन प्लांट, बनाना प्लांट। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि एड मोर, तो जैसे चिकन की अगर हम बात करें तो चिकन हमें मिलता है एनिमल से, चीज हमें मिलता है एनिमल से, क्योंकि जो मिल्क है उसे चीज बनाया जाएगा, तो मिल्क हमें मिलता है किससे, एनिमल से। तो अल्टीमेटली जो चीज है वो हमें मिल रहा है एनिमल से। मैंगो या जितने भी फ्रूट्स आएंगे वो आएंगे प्लांट से। कर्ड है, कर्ड भी बनेगा मिल्क से, मिल्क हमें मिलता है एनिमल से, तो ये भी ऑटोमेटिकली आ रहा है एनिमल से। वाटरमेलन, जितने भी फ्रूट्स हैं वो हमें मिलेंगे प्लांट से। करी लीव्स हैं, तो करी लीव्स पत्तियां हैं, तो पत्तियां किस में होती हैं, प्लांट में। तो इस हिसाब से ये दी गई थी। उसमें आपको और भी अगर इनको छोड़ के कोई और आइटम्स लिखती हैं तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसमें जस्ट आपने बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एनिमल से मिलती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो जाता है कि फ्रॉम वेयर डज वी गेट फूड, कि हमें जो फूड है जो हम खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे आ जाएगी दो चीज़ें, फ्रॉम प्लांट्स, फ्रॉम एनिमल्स। फिर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, जैसे फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स से हमें जैसे मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू आर सिक डू यू टेक एनी मेडिसिन विच वी गेट फ्रॉम प्लांट, व्हाट डू यू टेक व्हेन यू, जब आप बीमार होते हो तो क्या आप ऐसी कोई दवाई लेते हो जो हमें प्लांट से मिलती है, और आप क्या लेते हो व्हेन यू, जब आपको गेट हर्ट, जब आपको चोट लग जाती है। तो जैसे कई बार चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उस पर अप्लाई टर्मरिक, हल्दी का लेप बोलते हैं कि हल्दी का लेप हमें लगाना चाहिए। अगर कहीं पे आपको इंजरी हो गई है, लग गई है, ब्लड निकल रहा है, तो वहां पे आप टर्मरिक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो व्हेन वी गेट हर्ट वी अप्लाई टर्मरिक। वी हैव अ स्टमक एक, स्टमक मीन्स पेट, और एक एक का मतलब होता है दर्द, के पेट दर्द हो तो उसके लिए हमें क्या लेना चाहिए, मिंट, मिंट मीन्स पुदीना। हैव कफ एंड कोल्ड, अगर खांसी और जुखाम है तो उसके लिए हम तुलसी की पत्तियां, तुलसी जो है वो ले सकते हैं। एंड हैव अ टूथ एक, तो एक मीन्स दर्द और टूथ मीन्स दांत, अगर दांत में दर्द है तो उसके लिए हम नीम की लीव्स जो है वो वहां पे यूज कर सकते हैं। तो नीम है, तुलसी है, मिंट है, टर्मरिक है, ये सभी आ गए हमारे पास मेडिसिनल प्लांट, के इनसे मेडिसिन बन सकती है, और ये हमें किस चीज से मिलते हैं, प्लांट से। तो जैसे नेम एनी टू मेडिसिनल प्लांट, जैसे टर्मरिक, मिंट, तुलसी, नीम, तो ये आ जाएंगे हमारे मेडिसिनल प्लांट। ऐसे प्लांट जो हमें क्या देते हैं, मेडिसिन देते हैं, ये जिससे मेडिसिन बनाई जाती है। उसके बाद है, चूज द करेक्ट बास्केट फॉर ईच आइटम, ड्रॉ अ लाइन टू मैच। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर बास्केट्स दी गई हैं, एक पे लिखा है फ्लावर्स, एक पे लिखा है फ्रूट्स, एक पे लिखा है लीव्स, एक पे लिखा है एनी अदर प्लांट ऑफ फ्लावर। तो अगर हम पहले फ्लावर देखें, तो जो भी फ्लावर होते हैं उसमें क्या होता है,
प्लांट है कोई, उसमें फ्लावर होता है, जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, ठीक है, स्टेम होती है, तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं किसी प्लांट के, जैसे लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं। तो इसमें चार बास्केट दी गई हैं, बीच में नाम दिए गए हैं, तो आपने एक एक नाम करके बताना है कि वो चीज़ें क्या हैं, लीव्स हैं, फ्रूट हैं या फ्लावर हैं या कोई और पार्ट है, ठीक है। तो पहले है जैसे कैरेट, तो कैरेट आप लोगों को पता है कहाँ पे होती है, जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर वाला जो हिस्सा होता है प्लांट का वो होता है रूट। तो रूट पे तो यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे दी है लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे आपने टिक करना है एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट है जैक फ्रूट। तो जैक फ्रूट, फ्रूट वर्ड यहाँ पे लगा है, तो ये क्या है, फ्रूट। उसके बाद है जैसे फ्रेंच बीन्स हैं, तो इसमें भी आप क्या लगेंगे, जैसे लीव्स हैं या फ्लावर्स, जो फ्रूट्स हैं ये भी फ्रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है मस्टर्ड, तो मस्टर्ड सरसों, तो सरसों के क्या होते हैं, बीज होते हैं, तो सीड यहाँ पे कहीं भी नहीं दिए हैं, तो ये आ जाएंगे एनी अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। रेडिश है, रेडिश भी रूट होती है, तो ये भी आ जाएंगे एनी अदर पार्ट ऑफ फ्लावर। जिंजर है एनी अदर पार्ट ऑफ फ्लावर। मैंगो, मैंगो जो है वो फ्रूट है, तो यहाँ पे फ्रूट पे मैच कर दीजिए, ठीक है। स्पिनच है, ये क्या है, लीव्स हैं, पत्तियां होती हैं। ग्राम, ये भी सीड्स, ये भी एनी अदर पार्ट ऑफ फ्लावर। कॉलीफ्लावर, तो फ्लावर में आ जाएगा, बनाना फ्रूट में आ जाएगा। फ्लावर्स ऑफ कचनार, फ्लावर में, आंवला फ्रूट में। लोटस स्टेम, तो यहाँ भी एनी अदर पार्ट। करी लीव्स, लीव्स आ जाएगा लीव्स वाले पोर्शन में। और जो पोटैटो है वो भी एनी अदर पार्ट ऑफ फ्लावर। तो इसी हिसाब से आपने बताना था कि कौन सी जो चीज है, जैसे मैंगो है तो वो फ्लावर है, लीफ है या फिर फ्रूट है या एनी अदर पार्ट ऑफ फ्लावर है, ठीक है। तो यही था चैप्टर, ठीक है। इसमें बेसिकली ये बताया था कि जैसे जो पार्ट्स के प्लांट हैं उनको हम खाते हैं, जैसे कुछ पार्ट्स, जैसे कोई प्लांट है, जैसे मान लो हमारे पास मैंगो है, तो मैंगो का हम कौन सा पार्ट खा रहे हैं, मैंगो का हम खा रहे हैं फ्रूट, क्योंकि हम सिर्फ मैंगो को ही खा रहे हैं। अगर हम स्पिनच की बात करें तो पालक की आप लोगों को पता है हम क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं, तो मतलब उस जो पालक का प्लांट है उसमें हम क्या चीज़ खा रहे हैं, लीफ। उसके बाद अगर हम रूट्स की बात करें, जड़ों की बात करें, तो जड़ों में जैसे रेडिश आ गया हमारा, ठीक है, तो उसमें हम जो रूट चीज है, रूट है जैसे कैरेट है, रेडिश है, उसको हम खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम प्लांट की सिर्फ एक ही चीज खाते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स खा रहे हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं उनके हम फ्रूट्स खा रहे हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके हम फ्लावर्स खा रहे हैं, जैसे कचनार के फ्लावर्स हम खाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं उनकी हम लीव्स खा रहे हैं, जैसे स्पिनच है या एनी अदर प्लांट में आ गया, जैसे रूट है, जैसे कैरेट है, रेडिश है। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज तभी दी हुई है कि जो पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं जिनको हम खाते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज हो, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से आप लोगों को क्लियर है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं। अब आप लोगों से पूछा जाए कि नेम एनी टू प्लांट हूज फ्रूट वी ईट, कि दो प्लांट बताइए जिनके हम फ्रूट्स खाते हैं, मैंगो एप्पल। नेम टू प्लांट्स हूज रूट वी ईट, जिनके हम रूट खाते हैं, तो कैरेट और रेडिश, ठीक है। नेम प्लांट, नेम एनी प्लांट हूज लीव्स वी ईट, जिनके हम लीव्स खाते हैं, तो लीव्स में आ जाएगा जैसे स्पिनच है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये जो है वो क्लियर होने चाहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर की बनाएंगे, तो फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हम अपना नेक्स्ट लेसन। इस चैप्टर को आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।